नमस्कार। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि चैनल की ग्रोथ हो सके। तो आज की हमारी जो ट्रिक है वो है जो रिकरिंग डेसिमल होते हैं, मतलब कि अशांत पुनरावृत्ति दशमलव। जैसे अगर हम कभी 100 को 3 से डिवाइड करते हैं तो जो इसका आंसर निकल कर आता है वो आता है 33.333। तो ये आगे बढ़ता रहता है। तो इसकी रिपीटेशन को रोकने के लिए या फिर रिपीटेशन को दिखाने के लिए हम 1 3 लिखकर इसके ऊपर लगा देते हैं बार, मतलब कि जब इसको डिवाइड किया है तो ये 3 आगे तक बढ़ता जाएगा। अगर कहीं पर लिखा है 3.36 और 3 और 6 दोनों पर बार लगा है, इसका मतलब होता है कि 3 6 3 6 3 6, ये डेसिमल के बाद रिपीट होता गया है। तो इस प्रकार के जो हमारे मतलब डेसिमल रिकरिंग डेसिमल्स होते हैं उनको हम फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं बिना बेसिक्स का यूज किए। 9th क्लास में इसके बेसिक्स दिए गए हैं, लेकिन अगर हम हर बार बेसिक्स का यूज करेंगे तो यह बहुत टाइम टेकिंग होता है। तो इससे हम इसके लिए हम क्या करते हैं, एक ट्रिक का यूज करते हैं और ओरल हम सिर्फ बिना पेन और पेपर के भी बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या आने वाला है या इसकी फ्रैक्शन क्या बनने वाली है। यहां पर मैंने जो एग्जाम्पल लिए हैं इनमें मैंने हर टाइप के फ्रैक्शंस को मतलब हर टाइप पे डेसिमल को कवर किया हुआ है। यकीन मानिए इनके अलावा और कोई भी यहाँ पर रिकरिंग डेसिमल नहीं होता, मतलब उसका टाइप नहीं होता जो कि आता हो। तो यहाँ पर मैंने हर टाइप कवर किए हैं। अगर आप इन पूरे टाइप को एक बार देख लेंगे तो आप हर प्रकार के रिकरिंग डेसिमल को फ्रैक्शन में बदल सकते हैं। तो हम अपना स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वाले नंबर से जो कि है 0.7। जब भी आपको कभी इस प्रकार से नंबर मिले, मतलब 0 पॉइंट और डेसिमल के बाद सिर्फ एक नंबर है, बार लगा है, तो आपको सिंपली वो नंबर लिखना है जिस पर बार लगा है और जितने नंबर पर बार लगा है। यहाँ पर सिर्फ एक नंबर बार लगा है इसलिए हम सिर्फ 1 9 उसके डिवाइड लिख देंगे, मतलब 7/9, 7/9 ये इसका जस्ट आंसर हो जाएगा। सेकेंड नंबर पर देखते हैं 0.24 का बार। हमें क्या करना है, जितने नंबर पर बार लगा है पहले वो नंबर लिखने हैं, ये लिख दिया। डिवाइड में जितने नंबर पर लगा उतने 9, उतने 9 हमें इसके नीचे लिखने हैं, तो 99 ये हो गया। हमें जस्ट क्या करना है, वो नंबर जिस पे बार लगा है वो लिखना है और जितने अंक उसमें हैं उतने 9 हमें उसके नीचे जस्ट लिख देने हैं। हम जानते हैं जो 99 होता है वो 9 और 11 की मल्टीप्लाई से बनता है, मतलब वो 9 3 और 11 इन तीनों नंबर से यहां पर कैंसिल आउट हो सकता है। तो हम दोनों को कैंसिल कर लेंगे 3 से कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 8 और इसको 3 से कैंसिल करेंगे 33। तो जो इसका आंसर है वो हो जाएगा 8/33। नेक्स्ट नंबर देखते हैं, इसको हम लिखेंगे देखो 228, इस पर बार लगा है तो 228 लिख देंगे अपॉन कितने अंक है, इसमें 3 अंक है तो 999। अब ये नंबर किससे क्रॉस हो जाएगा, ये नंबर हमारा 3 से क्रॉस हो जाएगा क्योंकि 8 यहां पर 8+2 10 12, तो 3 से क्रॉस कर लेंगे, 3 7 जा 3 6 जा, यहां पर ये हो जाएगा 3 3 जा 3 3। अब ये आगे ये 76 19 4 जा होता है इसलिए 90 से कटता है और 4 से कटता है। यहां पर ये नंबर 4 से नहीं कटता और ना ही ये 9 से कटता है, सॉरी 9 से नहीं, ये 4 से नहीं कटता और ना ही 19 से कटता है। नेक्स्ट नंबर देखते हैं जो कि है हमारा 0.363 पर बार। तो इसको हम लिखेंगे 363/999, इसको क्रॉस कर देंगे 3 से, ये 9 से तो क्रॉस होगा नहीं, 3+3 6 और 6 12, तो 121 अपॉन ये हो जाएगा 333। अब ये जो नंबर है ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ये नंबर 333, ये हमारा 111 से क्रॉस होता है। 111 जो होता है वो हमारा जैसे 111 ये होता है 37/3, तो यहां पर 37 तो ऊपर है नहीं, 11 है तो ये 11 से क्रॉस नहीं होगा, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अगला नंबर देखते हैं 0.380, तो इसको लिखेंगे 380/999। और ये नंबर भी ये 8 और 3 11, ये ना ही 3 से क्रॉस होगा ना ही 9 से और ना ही 11 से, तो ये हमारा इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो यहां तक के जो नंबर होंगे, अगर 0 पॉइंट कोई नंबर लिखा है और उस पर बार लगा है तो हमें सिंपली जस्ट वो नंबर लिखना है, जस्ट सिंपली जस्ट वो नंबर लिखना है और उस नंबर में जितने भी अंक हैं उतने हमें यहां पर 9 लिख देने हैं।
अब हम आते हैं ऐसे नंबर जो जीरो पॉइंट और कुछ नंबर्स पे बार होगा और कुछ नंबर बार नहीं होगा, मतलब जैसे यहाँ पे देख रहे हैं 4 पे बार है 3 पर बार नहीं है, 8 3 पर बार है 3 पर बार नहीं है, 4 6 पर बार है 2 2 पर बार नहीं है, तो इस प्रकार के नंबर। ऐसे में हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें पूरा नंबर लिख लेना है, बाकी छोड़ो 34 पूरा नंबर लिख लिया, माइनस करना है जितने अंक पर या जिस नंबर बार नहीं है, तो यहाँ 3 पर बार नहीं तो हम इसको 3 माइनस कर देंगे अपॉन जितने नंबर पर बार है उतने 9 और जितने नंबर बार नहीं उतने 0। तो यहां पर एक नंबर पर बार है तो एक 9 और एक नंबर बार नहीं है तो एक 0, तो ये हो जाएगा हमारा 31/90, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, हमें पहले सिंपली वो नंबर लिख लेना है 926, फिर हमें माइनस करना है जिस नंबर पर बार नहीं है, तो यहां पर 92 पर बार नहीं है तो हम इसमें से 92 माइनस कर देंगे। डिवाइड जितने नंबर पर बार है उतने 9 और जितने पर नहीं उतने 0, तो एक नंबर पर बार है तो एक 9, दो अंक पर बार नहीं है तो 2 0 हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 4 यहां पर 38/900। ठीक है, अब ये फर्दर क्रॉस भी हो सकता है तो इसको अगर हम क्रॉस करेंगे तो ये हमारा 2 से क्रॉस हो जाएगा, 2 से करेंगे इसको कैंसिल आउट तो हो जाएगा 417/450, ये हो गया। अब आगे इसको आप 7 ये 3 से और क्रॉस हो जाएगा, 3 से क्रॉस करेंगे इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 3 बन जाए 3, 3 3 जा 9, 3 9 जा 27, 3 यहां पर 150, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अगले नंबर पर देखते हैं, तो ये है हमारा, इसमें भी हमें क्या करना है, पहले वो सिंपल वो नंबर लिख लेना है 383, माइनस कर देना है जिस नंबर पर बार नहीं है, तो यहाँ पर 3 पर बार नहीं है तो हम 3 माइनस कर देंगे। डिवाइड बाय जितने अंक पर बार है उतने 9 और जितने पर नहीं उतने 0, तो यहाँ पर 2 अंक पर बार है तो 2 यहाँ पर 9 हो जाएंगे और एक 0 लग जाएगा यहाँ पर, तो हो जाएगा 380/990, ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो 38/99, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, यहां पर भी सेम टू सेम वही प्रोसेस हम फॉलो करेंगे, 2 2 4 6 माइनस, बार किस पर नहीं है ये 22, तो यहां पर 22 माइनस कर देंगे। डिवाइडेड बाय कितने अंक पर बार है, तो आप बोलेंगे सर 2 अंक पर बार है तो 9 9 दो 9 हो जाएंगे हमारे, कितने पर बार नहीं है 2 पर नहीं है तो 2 0 लग जाएंगे। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये बचेगा हमारा 4 2, ये हो जाएगा हमारा 4 2 2 और ये हमारा 2 डिवाइड बाय 9 9 0 0। अब आप इसको 4 से भी आगे चल के कैंसिल आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट नंबर देखते हैं, फिर से हम वही अपनी मेथड फॉलो करेंगे, 6 8 9 2 माइनस, इतने पर बार था सॉरी ये पूरा नंबर लिख लिया, 6 पर बार नहीं 6 माइनस कर देंगे। डिवाइड बाय कितने अंक पर बार है, तो आप बोलेंगे सर 1 2 3, 3 पर बार तो 3 9 आएंगे हमारे 9 9 9, एक नंबर पर एक अंक पर बार नहीं तो 0 हो जाएगा, तो ये हमारा बचेगा 6 8 8 6/9 9 9 0। ठीक है, फर्दर इसको आप ये 2 से तो क्रॉस हो जाएगा, हाँ 2 से आप इसको क्रॉस कर सकते हैं, अगर 11 से होता तो आप 11 से इसको क्रॉस कर सकते हैं और ये इसकी फ्रैक्शन कहलाएगी हमारी। अब अगली नंबर बढ़ते हैं, जिसमें क्या होता है, ये हमारे जो भी नंबर थे इन सब में 0 पॉइंट लगा था, लेकिन अब जो ऐसे नंबर होते हैं जिनमें एक नंबर होगा और नंबर का वृद्ध दशमलव में फिर कुछ नंबर होंगे, हो सकता है किसी बार हो किसी पर ना बार ना हो, तो ये कुछ इस प्रकार के नंबर हैं। इसमें हमें जस्ट ये वाली प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा, हमें कुछ नहीं करना, यहां पर आप भूल जाइए कि इस प्रकार के नंबर भी कुछ होते हैं, आपको जस्ट क्या करना है यही वाली प्रोसेस फॉलो करना है, आपको जस्ट सिंपली पहले वो नंबर लिखना है, तो जैसे नंबर ये क्या है 1.9 का बार, तो इसको हमें सिर्फ नंबर लिखना है 19, माइनस कितने अंक पर बार नहीं है तो एक पर सॉरी इस पर बार नहीं तो इसको माइनस कर देंगे। डिवाइड बाय कितने अंक पर बार है, तो आप बोलेंगे सर एक पर बार है तो 1 9, कितने पर बार नहीं है तो एक पर नहीं तो 1 0, ये हो जाएगा हमारा, ये कितना हो जाएगा 18/90, और हम जानते हैं 18 5 90 तो 1/5 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 3.82 बार, तो इस पे हमें क्या करना है, पहले सिंपली वो नंबर लिखना है 382,
बिना डेसिमल के बिना बार लगाए हमें सिंपली जस्ट वो नंबर लिखना है। इसमें से माइनस करना है जिस पर बार नहीं है, तो किस पर नहीं है, थ्री पर, डिवाइडेड बाय कितने पर बार है, दो पर बार है, तो दो यहाँ पर नाइन आ जाएंगे हमारे और एक हमारा जीरो आ जाएगा क्योंकि एक पर बार नहीं है। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 379/990। फर्दर इसको आप अगर कैंसिल आउट होता है तो आप कैंसिल आउट कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट नंबर देखते हैं, इसमें भी वही प्रोसेस फॉलो करना है, 8932। पहले हम जस्ट नंबर लिखेंगे, फिर हम उस नंबर को माइनस कर देंगे जिस पर बार नहीं है, तो इस यहां पर 89 इसमें बार नहीं है, मतलब 89 माइनस कर देंगे हम, डिवाइडेड बाय कितने अंक पर बार है, तो दो अंक पर बार है, तो दो नौ लग जाएंगे, और कितनों पर बार नहीं, दो पर बार नहीं, दो जीरो आ जाएंगे हमारे, तो इसको हम माइनस कर देंगे, तो ये बचेगा 3 1 यहां पर 9, यहां पर 9, तो ये बचेगा हमारा 4 8 8/9900। ये हमारा इसका मतलब हमारी ये फ्रैक्शन बन जाएगी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, ये हमारा जो नंबर है इसमें हम क्या लिखें, सिंपली पहले नंबर लिखना 63343। ये हमारा जस्ट हमने नंबर लिख लिया, नंबर लिखते हैं हमें ये नहीं देखना है क्या डेसिमल क्या कुछ है, बस हमें सिंपली जस्ट पूरा नंबर लिख देना है एक बार, फिर माइनस करना है जिस पर बार नहीं है, 6334 6334 इस पर बार नहीं है, डिवाइडेड बाय कितने पर बार है, तो एक पर बार है तो एक नौ हो जाएगा, कितने पर बार नहीं, 1 2 3 4 पर बार नहीं, तो 0 0 0 और एक और 0, ये हमारा 4 अंक पर जो डिजिट थे हमारे उस पर बार नहीं था। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये निकल कर आएगा हमारा, यहां पर हो जाएगा 9, यहां 1 0 0 6, यहां पर 3, तो ये 7 और ये 5 अपॉन 9 1 2 3 4, ये हमारी इसकी ये फ्रैक्शन बन जाएगी हमारी 5 7 0 0 9/9 के बाद यहाँ पर 4 0, ये हमारी फ्रैक्शन बन जाएगी। तो आई होप कि यहाँ पर मैंने पूरे टाइप कवर कर लिए हैं, और इन टाइप के अलावा कोई भी टाइप नहीं बन सकता, इसमें हर प्रकार के मैंने जैसे भी डेसिमल बन सकते थे वैसे डेसिमल बनाए हैं, और हर प्रकार के टाइप यहाँ पे कवर कर लिए हैं। ठीक है, ये भी जस्ट वैसा ही टाइप है, मैं चाहता हूं इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे। ये है हमारा 8.3682, यहां पर 682 पर हमारा बार लगा हुआ है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, और अब आप जब भी ऐसे डेसिमल लेंगे तो उनको डायरेक्ट सिर्फ एक ही स्टेप में उनको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर पाएंगे। थैंक यू सो मच।